स्टिचेस, चाहे वो एपिजियोटमी के फॉर्म में हो, चाहे आपको वजाइनल टियर हो, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, आपके स्टिचेस का ख्याल तो आपको करना ही है। कैसे? व्हाट आर द टिप्स एंड व्हाट आर द ट्रिक्स जो आपको फास्टर रिकवरी देंगे? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। चाहे आपका सिजेरियन भी हुआ, वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न था, एक ट्विस्ट था जो आपके लेबर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, तो माइंड में उसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते। यू आर फाइन, योर बेबी इज फाइन, और सब एकदम परफेक्ट है आपकी बॉडी में। अगर सिजेरियन का स्कार भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो गई है। बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद योर बॉडी एंड योर बॉडी विल हील वेरी वेल। आपके पास पावर है अपने आप को हील करने के लिए। अननेसेसरी आप अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करें। अगर आपकी डिलीवरी में भी थोड़े से चैलेंजेस थे, चाहे वजाइनल डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं हुई, बट आपके स्टिचेस थोड़े ज़्यादा आए, थोड़ा सा बेबी का साइज बड़ा था या उसका पोजिशन ऑड था, तो थोड़ी सी डिले हो सकती है आपके स्टिचेस की रिकवरी में। बट आप तो नॉलेजफुल हो, आप तो वर्च्यू बेबी के पेरेंट हो, आपने अपने माइंड और बॉडी पे बहुत वर्क किया है इस पूरी जर्नी को ब्लिसफुल करने के लिए। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना, जो आपकी एपिजियोटमी साइट है, जो वजाइना के पास टियर होता है या कट हम लगाते हैं डिलीवरी में, वो बहुत अच्छे से हील करता है। इमीडिएटली जब हम आपकी डिलीवरी के बाद वो स्टिचिंग करते हैं, तो जनरली द नर्स गिव्स यू एन आइस पैक, सो यू जस्ट हैव टू पुट दैट फॉर 2 to 4 hours, एंड मोस्टली ऑल द डॉक्टर्स पुट इट। बट इवन घर पे भी, इफ सडनली व्हेन यू आर डिस्चार्ज, बिकॉज आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी यू विल गो बैक इन 24 hours, तो घर जाके आपको कभी लगे कि आपको पेन ज्यादा हो रहा है, तो आप एक आइस पैक बना लीजिए एंड यू पुट दैट आइस पैक फॉर अबाउट 20 minutes अपने स्टिचेस के पास, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली, आपको जो ध्यान रखना है कि आपको उस एरिया को बहुत क्लीन रखना है। तो जब भी यू गोइंग टू द वॉशरूम, व्हेनेवर यू आर यूरिनेटिंग और पासिंग मोशन, मेक श्योर कि दैट एरिया इज वेरी वेरी क्लीन। सो यू विल यूज इट टू क्लीन, यू विल क्लीन इट बाय पोरिंग वाटर, बट द थिंग इज दैट वो फ्रंट टू बैक होना चाहिए। इनफैक्ट आप एक स्क्वर्ट बॉटल भी ले सकते हैं जिसके अंदर एक पाइप लगी हो, जिससे आप आराम से उसको उसी साइट पर ही क्लीन करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इवन आप यूज करते हैं कॉटन या गॉज या टॉयलेट पेपर, जस्ट पैक ड्राई दैट एरिया, डोंट रब दैट एरिया, दैट एरिया इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी जेंटल। सो ये पेरिनियल केयर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके डॉक्टर्स आपको वो ऑइंटमेंट भी देंगे, तो वो आप सुबह शाम जरूर यूज करें। एक बहुत और अच्छी चीज है जिससे आपको बहुत फायदा होगा, वो ये कि आप सिट्स बाथ करें। सिट्स बाथ इज बेसिकली यूजिंग लिटिल वार्म वाटर। अगर हो सके तो पुट अ टैप ऑफ बीटाडीन सॉल्यूशन, अदरवाइज ओनली वार्म वाटर इज आल्सो वेरी गुड। एंड वी वांट यू टू बी सिटिंग इन दैट वार्म वाटर फॉर 10 to 20 minutes। तो यू कैन पुट इट ऑन योर WC इन अ स्मॉल टब, टेक वार्म वाटर एंड यू सिट इन इट। एंड वो सिट जब करते हैं आप उसमें, तो उसमें फर्मेंटेशन भी होती है और क्लीनिंग भी होती है। सो सिकाई और सफाई दोनों चीजें साथ हो जाती है, तो उससे आपका जो एपिजियोटमी वजाइनल टियर है वो बहुत अच्छा हील करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिट्स बाथ लेने के बाद हो सके तो हाफ एन आवर के लिए आप थोड़ा लेट चाहिए, बिकॉज जब हम थोड़ा वार्म वाटर में अपने आप को इमर्स करते हैं तो थोड़ी स्वेलिंग बढ़ती है उस एरिया में, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। सो रेस्ट करने से 15-20 मिनट आफ्टर टेकिंग द सिट्स बाथ आपके स्टिचेस बहुत अच्छे से हील होंगे। कभी कभी पेन बहुत ज्यादा होती है तो आप बैठ नहीं पाते कुर्सी पे, सो इसीलिए बेटर टू यूज अ डोनट पिलो। मिलती है एक, वो रेड रबर ट्यूब होती है, वो अगर आपको नहीं भी मिलती तो आप एक टावल को लेके उसको ऐसे गोल सा बना सकते हैं एंड यू पुट बोथ योर बटक्स ऑन दैट। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो स्टिचेस नहीं आते जब, तो उससे उनके ऊपर प्रेशर रिलीव होता है और उनकी सूजन भी कम होती है। और कभी कभी सॉफ्ट सर्फेस पे भी अगर आप बैठते हैं तो मुश्किल लगती है, तो फर्म सर्फेस पे बैठिए, पहले एक बटक को रेस्ट करिए फिर दूसरे बटक को रेस्ट करिए, एंड यू विल सी कि उससे पूरी अच्छे से प्लेसमेंट जब हो जाती है तो आपके स्टिचेस के ऊपर जो प्रेशर और स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है एंड फास्ट हीलिंग होती है। और इमीडिएट हीलिंग को 2 to 3 weeks लगते हैं और कंप्लीट हीलिंग को अराउंड 2 to 3 months लगते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कट है,
थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव एरिया पे है, बहुत नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पे, इसीलिए पेन, बर्निंग, इचिंग ये सब ज्यादा होती है. बट इचिंग और थोड़ा बर्निंग इज अ साइन ऑफ हीलिंग, सो डोंट वरी. एंड पेन भी धीरे धीरे सही हो जाएगा. तो इसलिए ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स करके अपने वजाइनल एरिया को बहुत अच्छा रखिए, बहुत अच्छे से हील होगा. एंड कॉन्स्टिपेशन हैज टू बी अवॉइडेड, सो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ फ्लूइड्स एंड ऑल्सो यू कैन टेक लॉट ऑफ यू नो लैक्टुलोज या जो इसब गोल पाउडर्स आते हैं, दे आर वेरी गुड. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड जो सिजेरियन स्कार का जो स्टिच होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी. कुछ भी नहीं है, आपको डॉक्टर ड्रेसिंग करके भेजेंगे. ज्यादातर हम सब अब्सॉर्बेबल सूचर यूज करते हैं. 7 days बाद व्हेन यू कम बैक टू द हॉस्पिटल, हम निकाल देंगे वो स्टिचेस. एंड उसके बाद यू कैन टेक अ बाथ कंफर्टेबली आफ्टर द 7th day. उसमें भी सेम है, टोटल हीलिंग में अबाउट 1 week से लेके 3 weeks तक, एंड कंप्लीट हीलिंग अबाउट 3 months to 4 months. सो बट आप उठ के बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, नहा सकते हैं आफ्टर 7 days. एंड उसके लिए भी स्वेलिंग वगैरह कम होगी अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रेस ट्राई करेंगे नहाने के बाद भी. रब नहीं करिए कोई भी स्टिच लाइन पे बहुत ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड डोंट गेट स्केयर्ड, दैट एरिया विल फील अ लिटिल नम, अ लिटिल हाइपर एस्थेटिक, मतलब जैसे ही आप थोड़ा छुएंगे आपको लगेगा बहुत छू दिया. बट डोंट वरी, वो नर्व एंडिंग्स रीजेनरेट हो जाएंगी. इन द नेक्स्ट 4 months यू विल स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल सेंसेशंस देयर. तो वी कैन कीप ऑन टॉकिंग एंडलेसली, बट स्टिचेज ही इतने थोड़े हैं तो हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही नहीं. सो आई ओनली विश अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ फॉर यू. एंड ये स्टिचेज के जो हीलिंग के टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको बहुत बहुत हेल्प करे ताकि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो और आपका वर्चू बेबी आप बहुत अच्छे से उसका ख्याल कर पाए.